स्टूडेंट्स, कार्बेंट्स कंपाउंड में आज हमारा ये 15th लेक्चर है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पॉलीफंक्शनल ग्रुप के नॉमनक्लेचर की। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ स्पेशल सफिक्स के बारे में, या फिर हम बात कहें तो ये जो स्पेशल सफिक्स है हम कहाँ यूज करते हैं और किस तरह से इसका नॉमनक्लेचर करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप, containing more than two like functional groups. हम उन polyfunctional group compounds के nomenclature की बात करने जा रहे हैं जहां पर एक जैसे दो से ज्यादा, more than two की बात हो रही है, functional groups हैं। अब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की बात हमने पहले भी की थी, लेकिन यहां हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल सफिक्स की। स्पेशल सफिक्स जो है वो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में करूं तो मैं ये कहूंगी कि जो हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे वो हम किन केसेस में यूज करेंगे, जहां पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो नंबरिंग में नहीं आ पा रहा है किसी भी रीजन से। अभी यहां मैंने कुछ पांच एग्जांपल्स जो आपके सामने शो कर रखे हैं, मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। यहां मैंने स्पेशल सफिक्स यहां पर पहले आपको मेंशन कर दिए हैं कि केस तो मैं यहां पर आपको समझाऊंगी कब हमें COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए सफिक्स यूज करना है। कब करना है ये, जब ये नंबरिंग में ये इसका खुद का कार्बन है, यानी इस फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन है। अगर एक ये था, एक ही फंक्शनल ग्रुप था, हम इसको सबसे पहले नंबरिंग दे रहे थे, लेकिन ऐसे केसेस में जब ये नंबरिंग में नहीं आ पा रहा है तब हम इसको क्या लिखेंगे, इसका सफिक्स क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड। इसी तरीके से CONH2 जो कि अमाइड ग्रुप है, इसका स्पेशल सफिक्स क्या यूज होगा, कार्बोक्सामाइड। अमाइड वर्ड यूज नहीं हो रहा, कार्बोक्सामाइड वर्ड यूज हो रहा है। CN जिसे साइनाइड ग्रुप कहा जाता है, हम नॉर्मली नाइट्राइल इसके लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसका स्पेशल सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। इसी तरीके से CHO जिसको हमने क्या कहा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज कर रहे थे हम, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। ये क्या है, इसका स्पेशल सफिक्स है। COR जो कि एस्टर था और हम इसके लिए यूज करते थे OH, एल्काइल OH सफिक्स यूज होता था, लेकिन जब ये नंबरिंग में नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे हम, कार्बोक्सिलेट। बात आती है नंबरिंग में कैसे नहीं आएगा, जैसे कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जब नंबरिंग का हिस्सा नहीं होता है, यानी आप जिस चेन को ले रहे हो उसमें वो नंबरिंग में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तब भी हम इन्हीं का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो मैंने केसेस यहां मेंशन किए हम सिर्फ उसी की बात करें, नहीं, साइक्लिक केसेस में जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी साइक्लिक कंपाउंड के नॉमनक्लेचर पे हम बात करेंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में भी जब फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग में शामिल नहीं हो रहा तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। इनमें भी क्या है, जैसे अगर मैं फर्स्ट केस की बात करती हूं तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं इन दोनों CN यानी जो नाइट्राइल ग्रुप है इनको अगर मैं शामिल करती हूँ मेन चेन में तो मेरा एक साइनाइड ग्रुप जो है वो छूट जाता है। अगर मैं इन दोनों को शामिल करती हूँ तो मेरा ये वाला साइनाइड ग्रुप छूट जाता है। तो भाई पहले का जो नॉमनक्लेचर था उसमें क्या किया जाता था, एक को छोड़ के दो को इंक्लूड करके और कर दिया जाता था नाम। लेकिन बाद में जो IUPAC की रिकमेंडेशन आई तो उस रिकमेंडेशन के लिए क्या किया गया, स्पेशल सफिक्स प्रोवाइड किए गए और उनके हिसाब से हम इन तीनों को छोड़ देंगे, यानी मेरे पास जो मेन चेन है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इन तीनों को ही हमने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। अब इसके लिए हम स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं इसकी, 1, 2, 3, 4। इधर से भी करके देख लेंगे हम, 1, 2, 3, 4। 3 और 4 पे आ रहा था, यहाँ 1 और 2 पे आ रहा है, इसका मतलब कि हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे। अब इसके लिए ये तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा, यानी ये तो लास्ट में यूज होगा, क्या कोई प्रीफिक्स यहां पर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ब्यूटेन। यहां पे क्या लिखा जाएगा, ये ब्यूटेन, यानी मेरे पास वर्ड रूट आ गया यहां पर। अब यहां देखिए, यहां पर मेरे पास मुझे पोजीशन बतानी है इस फंक्शनल ग्रुप की, तो ये क्या आ जाएगा, 1, फिर किस पे लगा है, 2 पे लगा है, फिर किस पे लगा है, 4 पे लगा है। और क्या लिखेंगे इसे हम, इसका जो
स्पेशल सफिक्स है साइनाइड का, आप देखो कार्बोनाइट्राइड, तो कितनी बार है ये, तीन बार है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ट्राई कार्बो नाइट्राइल, हमने इन तीनों को ही शामिल नहीं किया। लेकिन अगर ये सिर्फ दो ही होते तो, दो होते तो हम दोनों को इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन यहां दिक्कत क्या रही, हम दो को इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन एक फिर भी छूट रहा है, इसका मतलब वो चेन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे केसेस में जब हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है चेन का हिस्सा नहीं बन पा रहा, तब हम स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और यही बात मैंने यहां लिखी है, मोर देन टू लाइक फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आप ध्यान देना, OH के केस में ऐसा नहीं होगा, कीटोन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो चेन टर्मिनेटिंग नहीं है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, अब इसमें भी क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड करती हूं तो ये रह जाएगा, इन दोनों को इंक्लूड करूं तो ये रह जाएगा, तो क्या किया हमने, इन तीनों को ही छोड़ दिया, इन तीनों को ही जब हम लेफ्ट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास ये आता है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 1 2 3, एक ही बात है, किधर से भी नंबरिंग कर लो, तो नंबरिंग की 1 2 3 4 5। अब क्या कोई प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है नहीं, और इन तीनों को क्योंकि हमने लेफ्ट कर दिया है, तो इन तीनों को लेफ्ट करने के कारण इनके लिए तो स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, तो हम इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम आएगा, पेंटेन, क्या नाम है इसका, पेंटेन, और पेंटेन का ब्यूटेन का ई लिखा है क्योंकि यहां ट्राई आ गया और यहां कोई अल्फाबेट यानी वोवल वाला केस नहीं है, तो यहां लिखा पेंटेन, उसके बाद क्या है, फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, यानी 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ गया हमारे पास इसका नाम, सिंपल। इसी तरीके से अगले केस में भी देखें तो तीनों फंक्शनल ग्रुप को एक साथ काउंट करना मुश्किल है, नहीं आ पा रहे तो हमने तीनों को ही छोड़ दिया। तो यहां पर मेरी मेन चेन क्या आ गई, ये आ गई, नंबरिंग की 1 2 3, तो इसका नाम क्या आएगा, अगर दो होते तो हम दोनों को शामिल कर लेते और नाम लिख देते, लेकिन तीन है तो अब क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, तीन है, प्रोपेन, तो मैंने लिखा प्रोपेन, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे भी है, सेकंड पे भी है और थर्ड पे भी है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, CHO का हमने यहां पर स्पेशल सफिक्स अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड आ गया CHO के लिए, तो मैंने यहां लिख दिया कार्ब एल्डिहाइड, और क्योंकि क्या था यहां पर तीन थे इसलिए ट्राई वर्ड लगा। अब यहां देखिए ये जो है, जो मेरे पास नेक्स्ट दो केसेस मैंने लिखे हैं, इसमें रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये तो हमारे पास स्पेशल सफिक्स के केस आ गए। अब क्या है कि अगर इसके लिए मुझे रूल अलग याद रखना है, ये जो फोर्थ और फिफ्थ केस है इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि देखो ध्यान से कि दो फंक्शनल ग्रुप, अगर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, इफ वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है पेरेंट चेन से तो क्या होगा, वो प्रीफिक्स की, इट इज ट्रीटेड एज प्रीफिक्स, इसको हम क्या लेके चलेंगे, प्रीफिक्स एंड द टू फंक्शनल ग्रुप, एंड द टू फंक्शनल ग्रुप विल बी इंक्लूडेड, उनको हम क्या करेंगे, इन द मेन चेन, उनको हम मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे, तब वहां पर हमारे पास स्पेशल सफिक्स यूज नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी, दोनों केस जो हैं यहां पर स्पेशल सफिक्स यूज नहीं होगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखो क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं, पहले यहां साइनाइड है, यहां पर भी साइनाइड है, लेकिन यहां डायरेक्टली अटैचमेंट में हमारे पास सीएन ग्रुप नहीं है, यहां पर क्या है, मेरे पास CH2CN है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में स्पेशल सफिक्स जो मैंने यहां लिखे है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, हम दो जो सिमिलर हमारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CN CN है, ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनको तो इंक्लूड कर लेंगे मेन चेन में,
तो मेरे पास मेन चेन आ गई ये, और ये जो है ये मेरे पास क्या बन गया, ये प्रीफिक्स बन गया। अब नंबरिंग करें तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ 1 2 3 और ये 4 पे आ रहा है, तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आगे मेरे पास यहां क्लियर हुआ कि दो फंक्शनल ग्रुप को तो हम मेन चेन का हिस्सा ले लेंगे, और जो हमारे पास डायरेक्टली अटैचमेंट में नहीं है वो मेरे पास अब क्या बन गया, ये प्रीफिक्स बन गया। और कैसा प्रीफिक्स बन गया, जैसे हम स्पेशल प्रीफिक्सेस को लिखते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे जो स्पेशल केसेस थे, या हम कहेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखते थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नॉमेनक्लेचर सिखाया था ब्रैकेट में यूज करके लिखना है, उसी तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम लिखें तो क्या आएगा मेरे पास, फोर्थ कंपाउंड का, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। एक में तो क्या है कि तीनों ही काउंट नहीं किए जा सकते, वो डायरेक्ट अटैचमेंट में ही है, डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये भी इधर भी, लेकिन यहां पर क्या है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच नहीं है, तो दो जो सेम वाले हैं उनको तो हमने क्या किया, काउंट कर लिया, और जो दूसरा है उसको हम एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे। तो यहां नॉमेनक्लेचर जब मैं इसको लिखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 3 थर्ड पोजीशन पर ये लिखा है, लिया हुआ है हमने, तो साइनो मिथाइल, और यहां पर कर देंगे ब्रैकेट बंद, साइनो इसके लिए यूज किया, मिथाइल एक कार्बन के लिए यूज किया, यहां पर आप इथाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरे पास क्या आएगा, उसके बाद में बाकी नाम लिखेंगे, बाकी क्या है मेरे पास, बाकी नाम बचा 6 कार्बन है, तो मेरे पास आ गया हेक्सेन, हेक्सेन, और उसके बाद में फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन पर 1,6-डाई, डाई क्या है, नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल, ये नाम आ गया मेरे पास। हेक्सेन का ई मैंने यहां लिखा है, और नाइट क्यों, क्योंकि यहां डाई है, और वैसे भी नाइट्राइल में एन है, वोवल नहीं है, तो ये मेरे पास इसका नाम आ गया। देखो मैंने इसे कैसे लिखा है, जैसे हम जो हमारे पास ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट थे उनका नॉमेनक्लेचर जैसे ब्रैकेट में लिखते थे वैसे ही लिखा है। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाले केस की अगर हम बात करते हैं, ये तो फोर्थ के लिए नॉमेनक्लेचर था, फिफ्थ वाले में भी अगर हम देखें तो फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो डायरेक्टली अटैच नहीं है उसको तो हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, और इसको हम इंक्लूड कर लेंगे मेन चेन में, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन गया, ये प्रीफिक्स बन गया। और कैसा प्रीफिक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो यहां पर अब नंबरिंग जब इसकी शुरू करेंगे तो नंबरिंग किधर से करें भाई, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 3 पर क्या लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर ब्रैकेट स्टार्ट क्या लगा है, यहां पर लगा है हमारे पास CHO को हम क्या लिखते हैं प्रीफिक्स के तौर पे, फॉर्माइल, तो ये क्या आ गया, फॉर्माइल मिथाइल, यहां हमने साइनो मिथाइल लिखा था, यहां क्या आ गया, फॉर्माइल मिथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन है, मैं यहां कंटिन्यूशन में लिख रही हूं लेकिन कंटिन्यूशन में ही है ये। अब ये मेरे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए मैंने वैसे ही लिखा हेक्सेन, हेक्सेन के बाद 1,6-डाइअल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए, अब ये हमने क्या लिखे, ये जो नॉर्मल सफिक्स थे जैसे CN को नाइट्राइल लिखा जा रहा था, इसी तरीके से यहां पर हमने क्या लिखा, नाइट्राइल वर्ड लिखा, दो है इसलिए डाई नाइट्राइल लिखा, यहां हमने स्पेशल सफिक्स यूज नहीं किए। अब मान लो यहां पर CHO ना होके COH होता, और यहां CH2COH होता, तो उसके इसमें भी हम क्या करते, यहां पर हम उसके लिए कार्बोक्सी मिथाइल यूज करते, क्लियर है, कार्बोक्सी मिथाइल यूज करते। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लू यहां पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लो ये ले लिया, यहां पे आ गया CH2COH और यहां पर CH2COH, ये आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें भी हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, इसको इंक्लूड किया, ये हमारे पास प्रीफिक्स बन गया 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पर क्या आया, ये थर्ड पोजीशन पर मेरे पास आया कार्बोक्सी मिथाइल, क्योंकि COH का प्रीफिक्स हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तो ये आ गया कार्बोक्सी मिथाइल, इसका नॉमेनक्लेचर ये है बेटा, और इसका नॉमेनक्लेचर यहां शो कर रखा है। ये मैं इस वाले कंपाउंड को आपको बता रही हूं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए तो उसके साथ भी हमें ऐसे करना है, इसको हमें ब्रैकेट में लिख दिया, कार्बोक्सी मिथाइल आ गया, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंटेन, पेंटेन 1,5
15 डाइओइक एसिड, कोई दिक्कत ही नहीं है। डाइओइक एसिड क्यों आया? अब ओइक एसिड आया, स्पेशल सफिक्स यहां यूज नहीं किए गए। तो ये कुछ एक एग्जांपल जहां ये स्पेशल सफिक्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोनाइट्राइल, ट्राइकार्बेल्डिहाइड, इसी तरीके से, यानी ये कब हम यूज करते हैं? जब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली अटैच है हमारी मेन चेन से, हम लेकिन उसे काउंटिंग में नहीं ले पा रहे, तब हम स्पेशल सफिक्स की बात करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि वो डायरेक्ट अटैचमेंट में ना हो तो हम क्या करते हैं? फिर हम नॉर्मली जो सफिक्स यूज करते थे वो लेते हैं, और एक को जो कि डायरेक्ट अटैचमेंट में नहीं है उसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।